अपराधी बाबा के सनसनीखेज खबरों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल की वो खौफनाक तस्वीरें आप सभी की नजरों के आगे से होकर गुजर चुकी होंगी। जी हाँ, वो दर्दनाक हादसा जो आज पूरा दिन भर सोशल मीडिया पर छाया रहा। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हुई, जिसे हम सब ने देखा। लेकिन जहां पर यह घटना हुई, उससे सिर्फ एक मिनट पहले की एक पोस्ट डाली गई एक डॉक्टर द्वारा। 34 वर्षीय डॉक्टर ने एक मिनट पहले वहां से ट्वीट किया और उसके बाद उस हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें, 34 वर्षीय आयुर्वेदिक डॉक्टर जो जयपुर से हैं, दीपा शर्मा, उन्होंने एक फोटोग्राफ ट्वीट किया। नागास्टी पोस्ट हिमाचल प्रदेश की वो पोस्ट थी, जहां पर वो खड़ी होकर नेचर से अपने प्यार का इजहार कर रही थी, यानी प्रकृति उन्हें प्यारी थी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया। थोड़ी ही देर बाद वहां पर ऐसा हादसा हुआ जिसकी चपेट में दीपा शर्मा आ गई। घटना के कुछ ही देर बाद महेश कुमार शर्मा, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर दीपा शर्मा के भाई थे, उन्होंने उनकी मौत का जिक्र किया और ट्वीट किया और उनको याद करते हुए उनके नेचर की तरफ प्यार को दर्शाया। उन्होंने लिखा कि मेरी बहन दीपा शर्मा, जो कि स्पीति के टूर पर गई, वो इस ट्रिप को लेकर बहुत खुश थी। उसने एक नया कैमरा खरीदा था, नया स्मार्टफोन खरीदा था, खासकर इस ट्रिप के। उसका नेचर के लिए प्यार अथाह था, अटूट था, अटल था। लेकिन अब उसी प्रकृति की गोद में मेरी बहन समा गई। ये पोस्ट ट्विटर पर उन्होंने की। उसके बाद ट्विटर हैंडल पर लोगों की प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई। लोगों ने तो ये तक लिख दिया कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में रविवार को लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 9 सैलानी मारे गए थे। उनमें से एक थी दीपा शर्मा। उसके अलावा कुछ महाराष्ट्र से थे, कुछ छत्तीसगढ़ से, कुछ दिल्ली से और कुछ अलग अलग जगहों से। वाकई में ये भयभीत कर देने वाला दृश्य था। लेकिन घटना के बाद दीपा शर्मा के ट्विटर हैंडल से इस तरह की फोटो सभी को सोचने पर मजबूर कर दी। अपराधी बाबा चैनल में ये थी आज की सनसनीखेज खबर। देखते रहिए अपराधी बाबा चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।